Solid, liquid, और लेकिन आज जो हम और दो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ने वाले है वो है प्लाज्मा और वॉट इज कॉल्ड एज बो आइंस्टाइन कंड ओके सो स्टेट ऑफ मैटर सिर्फ तीन ही नहीं है सर ये जो रिसेंट एडवांसमेंट है वो भी आपके इसमें इंक्लूड किया जाता है सो so, ये इंफॉर्मेशन आज सो so, आज का जो लेसन है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है आप, आपको ये जो दो स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है जानकारी देनी है ऑल राइट सो बढ़ते हैं सबसे पहले प्लाज्मा की ओर प्लाज्मा को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस बल्ब की मदद लेते हैं एक्चुअली क्या होता है कि ये जो बल्ब होते हैं इसे नियॉन बल्ब कहते हैं ओके नियॉन बल्ब कहते हैं या फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब भी कहते हैं फ्लो फ्लोरोसन ट्यूब अभी इन न्योन बल्ब या फ्लोरोसन ट्यूब में क्या होता है कि आयोनाइज गैस भरी जाती है इसके अंदर एक्चुअली होती है गैस ओके आयोनाइज गैस इसे हम कहेंगे आयोनाइज गैस इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसे सप्लाई करते हैं ये आयोनाइज गैस के जो पार्टिकल है वो सुपर चार्ज हो जाते हैं सुपर चार्ज हो जाते हैं सुपर एक्साइटेड हो जाते इस सुपर चार्जिंग और सुपर एक्साइटमेंट के कारण हमें कुछ इस प्रकार का सिनारियो देखने मिलता है आपने टॉयज के दुकानों में या बहुत सारे जगह ये बल्ब देखे होंगे एक काइंड ऑफ ऐसा कुछ दिखता है इसके अंदर जो हमें बाकी बल्ब में नहीं दिखता है तो इसे ही हम प्लाज्मा कहते हैं ऑल कि ये सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड पार्टिकल वाला स्टेट्स है ओके okay? जो हमें आयोनाइज गैस इसके अंदर जो गैस है वो आयोनाइज गैस के कारण मिलता है ओके सो so, इसके दो काफ़ी फेमस एग्जांपल एक है फ्लोरोसेंट ट्यूब और उसके बाद है नियॉन साइन बल्ब इनके अंदर क्या होती है नियॉन के अंदर फॉर एग्जांपल नियॉन गैस भरी जाती है फ्लोरोसेंट के ट्यूब के अंदर हेलियम गैस भरी जाती है ओके सो so, या और भी ऐसी आयोनाइज गैसेस भरी जाते हैं सो नियॉन गैस और हेलियन गैस ऐसे दो एग्जाम्पल यहाँ है. जबी भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये जो गैस है वो आयोनाइज हो जाती है क्योंकि ये गैस में सुपर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो इधर उधर फ्लो करना स्टार्ट करते हैं जिसके कारण हमें एक काइंड ऑफ लाइटिंग टाइप एक एनवायरनमेंट दिखता है जिसे हम प्लाज्मा ये वर्ड उसके लिए साइंस में यूज किया जाता है जो हमें इन ट्यूब्स या इन बल्ब में देखने मिलते हैं तो इसका जो कलर है ये कलर डिपेंडेंट ये कलर है इस पर जो गैस यूज कर रहे हैं नियॉन नियन गैस यूज कर रहे हैं, या फिर हेलियम गैस यूज कर रहे हैं, या और अदर कोई आयनाइज गैस यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर इसके अंदर का जो कलर है जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट मिलेगा तो डिफरेंट बल्ब में ये डिफरेंट आ, प्लाज्मा कलर देखने मिलते हैं ऑल सन और स्टार का जो ग्लो है वो भी हमें प्लाज्मा के कारण मिलते हैं सन में आपको पता है कि कौन सी गैस होती है आयो हेलियम गैस होती है सन में सन के जो कोर में है ओके सन में जो है हेलियम गैस हमें देखने मिलती है हेलियम गैस आयोन फॉर्म में होती है और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण भी एट हाई टेम्परेचर हमें जो सन का दिखता है एक्चुअली दैट इज नथिंग बट प्लाज्मा ओके सो ये काफ़ी रिसेंट डिस्कवरी है और काफ़ी यूजफुल भी है ओके okay? स्टार्स में भी बहुत सारे स्टार्स में भी हाई टेम्परेचर के कारण प्लाज्मा इफेक्ट होता है और इसीलिए हमें स्टार दिखते हैं इतनी दूर से उसका एक वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि उसमें प्लाज्मा का क्रिएशन होता है तो सन और स्टार्स में प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर देखने मिलते हैं ऑल राइट नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ओके सो so, इसका नाम ये बोस और ये आइंस्टाइन क्यों है आइंस्टाइन हमें पता है साइंटिस्ट है उसी प्रकार बोस भी है जो इंडियन साइंटिस्ट है ओके सत्येंद्र नाथ बोस ऐसा उनका पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस ने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पर बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए थे बहुत सारे काम किए थे उन्हीं का काम फिर बाद में आइंस्टाइन ने जो है स्टडी किया और उसको कंप्लीट किया इसलिए इस कंप्लीट सिनारियो को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं ऑलराइट सो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं सो so ये जो दिखता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जिसको बीई भी कहते हैं वो इस प्रकार दिखता है जैसे ही हमें प्लाज्मा दिखता था कुछ उस, उसी प्रकार दिखता है लेकिन ये एग्जैक्टली exactly इसके अपोजिट कंडीशन में होता है वो कौन सी कंडीशन है हम देखते हैं सो नाइनटीन टवेंटी में इंडियन साइंटिस्ट थे सब फिजिसिस्ट थे या साइंटिस्ट थे सत्यन्द्र बोस जिन्होंने फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पर कैलकुलेशन किया आइंस्टाइन ने उस उस काम को आगे बढ़ाया और इसी कारण इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है होता है क्या ये होता है सुपर लो टेम्परेचर पर एज रिवर्स ऑफ प्लाज्मा जो सुपर हाई टेम्परेचर में होता था सन और स्टार्स में ये सुपर लो टेम्परेचर में होता है एक्सट्रीमली लो डेंसिटी में मतलब वन हंड्रेड थाउजेंड ऑफ डेंसिटी के नॉर्मल एयर की डेंसिटी में ये कूलिंग इफेक्ट फॉर्म होता है आयोनाइज गैसेस में और राइट सो ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आपको इसके बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन रखनी है छोटा मोटा क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं

Uh, tube consists of ionized gas inside them. The two of the example are neon gas, okay, and the next one is helium gas. When they are present in ionized pub inside this bump, as soon as you give the electrical energy, they get ionized and the particles get super excited or supercharged and starts flowing. As a result of the flow of this supercharged particle, we kind of get to see such kind of scenario. To which we call as plasma. Okay. So plasma happens because of the electrical energy. And at a higher temperature. Same scenario we also see in sun and star, where in sun and star the helium gas is present. In sun especially, helium gas is present and a very high temperature is present. So the observation of sun during sunset or sunrise in this various colors and form is because of the plasma, creation of plasma. Same is the case with star. We are able to see the star from the distance. One of the reason is creation of plasma. Then we go to the next state of matter called as Bose Einstein condensate. The name is because of the scientists who have been working on that. One is Indian scientist and another is Albert Einstein, the famous Albert Einstein. So they uh, carry out their work and they find that exactly reverse of that. That at very super low temperatures or very negative temperature, some of the gases

फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर हमें पता है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए माइनस टू थ्री डिग्री सेल्सियस से उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ये अर्लियर क्लासेस में भी देखा है हमने ओके okay? सो so, आप ये दो इसमें से माइनस टू थ्री डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो जो आंसर मिलेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सेल्सियस में नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेल्सियस को डिग्री केल्विन में करना है सेल्सियस को डिग्री केल्विन में करना है तो हमें पता है कि हमें 273 ऐड करना है तो 25 डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड करेंगे तो आपको 298 केल्विन मिल जाएगा सेकंड 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो अगेन 273 ऐड कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा केलविन में तो ये सेल्सियस टू केलविन था और ये केल्विन टू सेल्सियस था ओके दोनों को आप समझ लीजिए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेपथेलिन बॉल डिसअपियर हो जाते हैं नेपथेलिन बॉल हम ब्लैंकेट से क्लॉथ में रखते हैं ये कैंफर की तरह वाइट होते हैं तो कैंफर वाला जो क्वेश्चन था वही यहाँ पे रीजन है कि इसका जो बेस्ट रीजन कौन सा है बेस्ट रीजन कि डायरेक्ट सॉलिड से हमें गैस में कन्वर्ट होता है क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को एग्जैक्टली exactly. इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन तो इस क्वेश्चन का मेन रीजन है सब्लिमेशन ओके सब्लिमेशन के कारण ये डायरेक्ट इवेपोरेट हो जाते हैं सॉलिड से गैसेस स्टेट में और किस दिनों के बाद जहां हमें इसे रखे थे ब्लैंकेट में वहां हमें ये नहीं दिखते सो so, इसका रीजन है कि रूम टेम्परेचर में सब्लिमेशन प्रोसेस होते है सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें ये इंटर इमीजिएट स्टेट में दिखते नहीं है गायब हो जाते काइंड ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन है kind of. वी कैन गेट दिस स्मेल ऑफ परफ्यूम वाई सेटिंग सेवरल मीटर अवे की परफ्यूम अगर रूम के एक कॉर्नर में भी स्प्रे किया जाए तो हमें अनादर कॉर्नर में इस इसका स्मेल जो है इसका जो फ्रेगनेंस है वो हमें अनादर कॉर्नर में हमें भी इसका फ्रेगनेंस क्विकली मिलता है तो क्या रीजन है गैसे स्टेट में होने के कारण जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वह बहुत, -बहुत ज्यादा है ओके या इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है इसके कारण जो है ये, है ये ट्रैवल कर लेता है काफी डिस्टेंस को काफी इजीली क्विकली ये ट्रैवल कर लेते हैं ये वोलाटाइल इन नेचर होते हैं इसे हम वोलाटाइल ये वर्ड यूज करते हैं और जिसके कारण हमें जो है स्मेल वो क्विकली दूसरे कॉर्नर में भी मिलता है ओके मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एयर है गैसे स्टेट ओके इंटर स्पेस ज़्यादा रहती है लार्ज ओके जिसके कारण ये वोलाटाइल नेचर रहते हैं क्विकली डिस्टेंस ये कवर कर लेते हैं ठीक है और इसीलिए हमें सेवरल मीटर्स अवे में भी फ्रैगनेंस जो है मिल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ओके सो हमें पता है कि ऑक्सीजन में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि ये गैस है उसके बाद वाटर का आएगा क्योंकि ये लिक्विड है उसके बाद सॉलिड का आएगा क्योंकि शुगर का आएगा क्योंकि ये सॉलिड है सो so, इस ऑर्डर में ही हम इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा शुगर में फिर वाटर में और फिर ऑक्सीजन में ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस ओके फर्स्ट इज 25 इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था 25 डिग्री सेल्सियस में हमें पता है कि वाटर जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस जो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा नेक्स्ट है जीरो डिग्री सेल्सियस तो जीरो डिग्री सेल्सियस हमें पता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट है आइस का वाटर में कन्वर्ट होने के लिए और ट्रांजिशन स्टेट में ट्रांजिशन स्टेट में हमें पता है कि कुछ पार्टिकल जो है वो सॉलिड स्टेट में रहेंगे और कुछ पार्टिकल जो है लिक्विड स्टेट में रहेंगे जिसमें लैटेंट हीट ऑफ लैटेंट हीट समझ आएगी वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पे इसका आंसर है बोथ सॉलिड एंड लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस हमने प्रीवियसली किया आगे नहीं ये पता है कि ट्रांजिशन स्टेट है ये लिक्विड से गैसस स्टेट में जो कन्वर्ट होता है उसका ट्रांजिशन स्टेट है तो कुछ लिक्विड में रह और जिन्होंने लैटन टिट एब्जॉर्ब किया है वो गैसस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी ऑलराइट गिव टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर ये लिक्विड है इसका हमें रीजन देना है जस्ट प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है रूम टेम्परेचर जो हमारा जो क्वेश्चन था 25 फाइव डिग्री सेल्सियस अपो रूम टेम्परेचर मतलब 25 फाइव डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ना तो जीरो डिग्री सेल्सियस के है और ना ही हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है इन्हीं टेम्परेचर पर जो है तो वाटर का जो है ट्रांजिशन स्टेट होता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है रूम टेम्परेचर पर तो वो डेफिनेटली जो उसका स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज है लिक्विड स्टेट की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो सब वो ओबे करता है इसीलिए रूम टेम्परेचर पर तो वो लिक्विड ही रहेगा ऑल राइट ओके सो ट्रांजिशन स्टेट जीरो डिग्री सेल्सियस या हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर होती है रूम टेम्परेचर पर कोई इसलिए वाटर जो है फ्लो होता है लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज है इसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर होता है तो जो भी प्रॉपर्टीज है लिक्विड की वो वो शो करता है इसलिए रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड ही है ओके okay? उसी प्रकार आयरन का बताया कि वो सॉलिड है रूम टेम्परेचर तो आयरन का जो ट्रांजिशन स्टेट है क्या आपको पता है उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट क्या है अर्लियर मेटल्स और नॉन मेटल्स में आपने ये पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में तो आयरन का जो है मेल्टिंग पॉइंट है कुछ 1583 डिग्री सेल्सियस और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है टू टू डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसी कारण रूम टेम्परेचर पर जो है वो जो है अलमीरा वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज बताता है जैसे कि फिक्स डिफिनेट शेप डिफिनेट वॉल्यूम ओके स्ट्रॉन्ग इंटरमुलर फोर्स डिफिनेट शेप एंड वॉल्यूम तो इसलिए वो सॉलिड है ये जस्टिफिकेशन है उसका सो so, ये सब क्वेश्चन आपने आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इसे हम क्विकली यही के यही रिवाइज कर लेते हैं ऑलराइट right. so first question was conversion so we know we just have to add this magic number 273 or subtract this magic number to convert from celsius to kelvin or kelvin to celsius okay naphthalene ball they are equal to camphor so sublimation process that we have seen in camphor also takes place in what is called as naphthalene balls that we use to keep in blankets usually woolen cloths which we use in winter season and they gets evaporated directly from solid to a gaseous state at room temperature hence after some days we find them in reduced form or even we say that they are like distinguished from their places smell of perfume can travel from one place of corner to another because this is gaseous form in gases we know that intermolecular distance is very large so their kinetic energy is very high hence they can travel uh, the, what is called as they are volatiles and they travel distance very fast because of having greater kinetic energy, motion is more. Hence, we get to uh, uh, fragments of perfume several distance within less time. Okay. Next was arrange force of attraction. So we know that gases they have lesser force of attraction than liquid than sugar, which is solid. Okay. Next question was at 25 degrees celsius water is liquid we have to justify so transition state of the water is 0 degrees celsius and 100 degrees celsius where water converts from one state to another at 25 degrees celsius that is at room temperature there is no transition state so we get it in the uh, liquid form which is this and this is the justification okay normal room temperature physical state of water is liquid Okay, same, same kind of question is this, okay. It obeys all the properties, okay, that water flows, it has definite volume, it takes the shape of container. So, at room temperature, there is no transition state. And same is the reason for Almira. The transition state from Almira or iron for that matter are these two temperature. Room temperature is 25 degrees Celsius, no transition, so it remains in its solid, it shows the property of solid, that is definite shape. डिफिनेट वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग इंटरम फोर्स ओके नो चेंज ऑफ शेप सो दिज आर द रीजन फॉर इट टू रिमेन इन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइस टू सेवेंटी थ्री डिग्री केलवेन मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा इफेक्टिव है कूलिंग के वाटर मतलब क्वेश्चन है कि आइस भी जीरो डिग्री सेल्सियस पर और वाटर लो अब सेम टेम्परेचर पर तो आइस ज्यादा इफेक्टिव है इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट इसका रीजन इसका जो क्रक्स है हमें पता है कि इसका आंसर छुपा है लैटेंट हीट पर ओके okay. होता क्या है जीरो डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है वो सराउंडिंग की जो है लैटेंट हीट एब्सॉर्ब कर लेता है ये लैटेंट हीट प्लस इवेपोरेशन बेस्ड क्वेश्चन है ओके okay. सराउंडिंग की जो हीट एनर्जी है सराउंडिंग में जो हीट एनर्जी है उसका यूज करता है आइस का कन्वर्शन करने के लिए वाटर में क्योंकि ये सराउंडिंग हीट यूज़ करता है तो इसी कारण सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है जब भी हम स्किन पर इसे लगाते हैं कोई सरफेस पर हम लगाते हैं सराउंडिंग हीट ये यूज करता है वाटर कन वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इसलिए सराउंडिंग टेम्परेचर है कूल cool होता है इसलिए वाटर अगर आप सेम टेम्परेचर पर लो तो वो कूलिंग इफेक्ट नहीं दे पाता क्योंकि उसमें ऐसा कोई इवेपोरेशन या लेटेंट हीट को यूज करने वाला फिनोमेना नहीं होता है आइस में वो फिनोमेना होता है सराउंडिंग एनर्जी वो यूज करता है इसलिए कूलिंग इफेक्ट होता है तो ये इसका रीजन है ओके okay? तो ये एब्जॉर्ब करता है पहले तो हीट एनर्जी जो सराउंडिंग के कारण उसके कारण जो कूलिंग इफेक्ट वाला हमने जो पढ़ा था वेपोरेशन में कितना करता है ये ऑफ फ्यूजन जितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके कारण जो है सराउंडिंग की कूल cool इफेक्ट आता है ऑल राइट हैंस ये बेटर कूलिंग इफेक्ट देता है ऑल राइट right? अभी क्वेश्चन है कि वॉट प्रोड्यूसेस मोर सिवियर बन बॉयलिंग वाटर या स्टीम अगेन बॉयलिंग वाटर और स्टीम में से सबसे ज्यादा अगर आपके स्किन पर गिरता है तो किससे सिवियर बर्न हो गए तो क्या इसका आंसर हो सकता है स्टीम इसका आंसर है ओके okay? स्टीम इसका आंसर है अगेन क्यू क्योंकि बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर वो आपको पता है ट्रांजिशन स्टेट होता है ये दोनों क्वेश्चन ट्रांजिशन स्टेट पर ही है जीरो डिग्री सेल्सियस पर था जहाँ पे आइस का कन्वर्शन वाटर में होता है अभी यहाँ पे जो है बॉयलिंग वाटर मतलब लिक्विड का कन्वर्शन गैस में होता है अभी हमें पता है कि स्टीम जो गैस होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर इसमें लैटेंट हीट मौजूद होती है सर लैटेंट हीट, इसमें इसमें के जो पार्टिकल्स है उसमें जो है लैटेंट हीट मौजूद होती है टेम्परेचर सेम है लेकिन यहाँ पे लैटेंट हीट नहीं है और यहाँ पे लैटेंट हीट क्योंकि ये हीट एनर्जी इसमें ज्यादा है तो इसके कारण ये जो बर्न देंगी अगर स्किन पर आती है तो वो ज्यादा देंगी इसके कंपैरिजन में क्योंकि इसमें एक एडिशनल हीट एनर्जी मौजूद है तो ये इसका रीजन है और राइट सो इसका जो आंसर है स्टीम कंटेंट मोर हीट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लैट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन इतनी एनर्जी जो है उसमें ज्यादा है तो जब भी ये कॉन्टे और बॉइलिंग वाटर में लैक्स दिस एनर्जी इसमें ये एनर्जी नहीं है तो इसी कारण जब भी कॉन्टैक्ट में आएगा तो इस सीवियर बर्न देगा स्टीम देन बॉइलिंग ओके नेम ए बी सी इनका हमें नाम पता है सॉलिड टू लिक्विड हमें पता है सॉलिड टू लिक्विड क्या है सर जी सॉलिड टू लिक्विड होते है इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग ओके या फ्यूजन फ्यूजन कहते हैं फ्यूजन इस मेल्टिंग पॉइंट पर होता है ये मेल्टिंग पॉइंट पर होता है इसे हम फ्यूजन करते हैं बी क्या बोल रहे है? है, इसे हैं हम, इसे हम कहते हैं वेपराइजेशन सर वेपराइजेशन ओके वेपराइजेशन कहते हैं लेकिन लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन और एक प्रोसेस से होता है जो हमने उसके बाद पढ़ी थी एग्जैक्टली exactly, इवेपोरेशन इवेपोरेशन में होता है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट के पहले ही हो जाता है लेकिन उसमें भी लिक्विड टू गैस कन्वर्ट होता है तो इसके आंसर रहेगा मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन सेकंड का आंसर रहेगा वेपराइजेशन या इवेपोराइजेशन सी क्या है गैस का लिक्विड में कन्वर्शन तो गैस का लिक्विड में कन्वर्शन हमने वो ट्रेंगुलर डायग्राम देखी थी अगर आपको याद होगा तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं सर कंडेंसेशन इस प्रोसेस को हमें प्रोसेस के नाम बनता है कंडेंसेशन कहते हैं लिक्विड टू सॉलिड को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं ऑलराइट right? वो ट्रैंगुलर डायग्राम जो थी उसी के ये क्वेश्चन है सॉलिडिफिकेशन कहते हैं ई e क्या है सॉलिड से डायरेक्ट गैस हमें पता है सब्लिमेशन इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं ऑलराइट सब्लिमेशन और एफ क्या है गैस से अगेन सॉलिड तो रिवर्स प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन ही कहते हैं ओके सो इसके आंसर्स देख लेते हैं ओके सो फर्स्ट था मेल्टिंग या फ्यूजन इसको लिक्विफिकेशन भी ये भी एक टर्म है लिक्विफिकेशन क्योंकि हम सॉलिड से लिक्विड कर रहे हैं तो लिक्विफिकेशन जैसे सॉलिडिफिकेशन आता है वैसे लिक्विफिकेशन फिर बी हमने देखा है कि आइधर वेपराइजेशन हो सकता है या एवेपोरेशन भी हो सकता है जो कि बॉइलिंग पॉइंट पर होता है ओके बॉइलिंग पॉइंट पर ये होता है फिर थर्ड था कंडेंसेशन फोर्थ था सॉलिडिफिकेशन फिफ्थ ई और एफ दोनों सब्लिमेशन प्रोसेस थे ओके सो यहाँ पे हमारा जो है ये जो चैप्टर है इट एंडसर ओके इसका द चैप्टर एंड सियर इसकी आपने समरी uh, बनानी चाहिए इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट टू मेक अ समरी कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि स्टेट्स ऑफ मैटर स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले हमने पढ़ा कि मैटर जो है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल तो पहले हमने कंप्लीटली पार्टिकल को एक्सप्लोर किया उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया फिर हमने देखा कि मैटर के तीन फॉर्म है सॉलिड लिक्विड गैसेस फिर हमने देखा कि कैसे एक स्टेट एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकते यूजिंग टेम्परेचर और यूजिंग प्रेशर फर्दर हमने पढ़ा कि ऐसा पॉसिबल क्या ऐसा पॉसिबल है कि विदाउट टेम्परेचर प्रेशर भी आ, या बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी हो तो यस द प्रोसेस वॉल्ड कॉल्ड एज द इवेपोरेशन फिर हमने पढ़ा कि इवेपोरेशन का एक इफेक्ट है कॉल्ड एज कूलिंग इफेक्ट ओके कूलिंग इफेक्ट को हमने पढ़ा कूलिंग इफेक्ट के बाद फिर हम फिर से स्टेट ऑफ मैटर को रिविजिट किए और हमने और दो स्टेट ऑफ मैटर पढ़ी जिसमें एक थी प्लाज्मा और दूसरा था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ओके okay? इसके बाद वेरियस क्वेश्चन आंसर इन टर्मिनोलॉजीज पर इनके इफेक्ट्स पर हमने पढ़े जिसमें ये कंप्लीटली चैप्टर हमारा कवर्ड होता है ओके सो दिस टॉपिक एंड्स हियर थैंक यू अस सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी स्टडिंग